मुल्तान के ताजरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताजर बरादरी का कहना है कि हुकूमत कभी बिजली तो कभी पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर आवाम को परेशान कर रही है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे फराज समसान। मुल्तान के ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सीनियर नायब सदर टिम्बर मार्केट दियार एसोसिएशन महरान कुरैशी का कहना था कि हुकूमत अवाम पर जुल्म ना करे, कभी बिजली तो कभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया जाता है। पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का एक तूफान आएगा और हमारे मुल्क में कभी बिजली महंगी होती है तो कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है। हम ताजरों से किसी किस्म की कोई मुशावरत किए बगैर इन चीज़ों में जब इजाफा किया जाता है तो हम ताजर जो मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं, हमारे इस पूरे ढांचे को तोड़ा जा रहा है, मैशियत को तबाह किया जा रहा है। चेयरमैन गल्ला मंडी मेन गेट हाजी हैदर आलम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से गल्ला मंडी में अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। जो ट्रक 15,000 का मिलता था वो अब 25,000 का हो जाएगा। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से हर चीज का रेट जो है ना अप हो जाएगा, क्योंकि हर चीज की जो है ना कैपेसिटी बढ़ जाएगी। पेट्रोल महंगा होगा तो किराए हर चीज के महंगे हो जाएंगे। जो गड्डी 15,000 की आती है वो 25,000 की आएगी, वो माल के ऊपर ही उसकी रेशो पड़ेगी। इसकी वजह से जो है ना हर दालें चावल चीनी हर चीज महंगी हो जाएगी। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम की जाएं, वरना सड़कों पर निकलकर एहतजाज करेंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ फराज रमजान, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20 रुपए तक के बड़े इजाफे पर अवाम परेशान है। आम अवाम के साथ साथ वकला का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर गम गुस्से का इजहार। वकला ने हुकूमत से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से जानेंगे माहर इमरान की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे पर वकला बरादरी भी परेशान। वकला ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। वकला कहते हैं कि हुक्मरान गरीब आवाम पर रहम खाएं। हुक्मरानों ने मुल्की मफाद का कहकर आम आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। आम आवाम से पहले ही बस से बाहर है, ये मजीद बढ़ाने से और ज्यादा मुश्किलात होंगी। कमोडिटीज जो हम डेली यूज करते हैं, दालें ये जो भी जो डेली रूटीन की चीजें, उन पर भी फर्क पड़ेगा। इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा कि वो पहले ही आवाम इतनी यानी है पर समझ नहीं आती कहाँ पर बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं। वकला का कहना था कि कीमतों में इजाफा अगर वापस ना लिया गया तो शदीद एहतजाज करेंगे। बिजली के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जरूरत की तमाम अशिया के रेट बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में महंगाई आए रोज बढ़ती ही जा रही है। जो मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो रेट बढ़ाए हैं, अभी जो 20 रुपए डीजल और 20 रुपए पेट्रोल, मैं समझता हूँ आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी है कि वो यूटिलिटी बिल्स अब इतने शदीद हैं। ये हमारी वकला कमेटी उससे शदीद मुतासर हो रही है, ना सवाए वकील बल्कि आम आवाम तनख्वाहदार तबका जितने भी लोग हैं वो इस महंगाई के तूफान से शदीद परेशान है। वकला का मजीद कहना था कि मुल्क में मईशत को बेहतर करने का कोई मंसूबा नजर नहीं आ रहा, यही हालात रहे तो आवाम को संभालना मुश्किल होगा, जराइम में इजाफा हो जाएगा और बद अमनी फैलेगी, इसलिए हुक्मरान होश के नाखून लें और महंगाई को कंट्रोल करें। कैमरामैन हारून के साथ माहर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। महंगाई को चौथा गेयर लग गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद ट्रांसपोर्टर्स का एक्शन। मुल्तान शहर से चलने वाली गाड़ियों के किराए में 7% तक का इजाफा कर दिया गया। शहरियों ने किरायों में इजाफे का सुनकर सर पकड़ लिए। शकील सुल्तान की रिपोर्ट देखेंगे। हुकूमत ने महंगाई से सताई आवाम पर मजीद बोझ ला दिया। पेट्रोल और डीजल महंगे हुए तो बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया। मुल्तान शहर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 7% तक का इजाफा कर दिया। मुल्तान से दीगर शहरों को जाने वाली ट्रांसपोर्ट के किराया में 20 से 100 रुपए का इजाफा। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत के जालिमाना इकदाम से न सिर्फ सवारी परेशान है बल्कि हमारा कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। हुकूमत के पेट्रोलियम के जो इकदाम है इंतहाई जालिमाना है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट आम आदमी सवारी है। आम आदमी के पास पहले ही रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं है, ऊपर से इन्होंने डीजल फ्यूल इतना बढ़ा दिया है। हमने हर चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो किराया बढ़ाया 5 से 6% बढ़ाया है। मुसाफिरों का कहना था कि खाने पीने के पैसे नहीं, अब सफर भी महंगा होता जा रहा है। कमर तोड़ महंगाई ने सबको परेशान कर दिया है। सब परेशान है। जो किराया पहले हम लोग आते थे 700-800 हजार, वो अभी 2000 तक पहुँच गया। तो आम आवाम तो फिर भी किसी तरह चलो कुछ ना कुछ करके, जो आम आवाम गरीब दिहाड़ीदार
वो तो बिल्कुल ख्वार हो गया, पिस हो गया। परेशान तो बहुत है, किराया पहले कम होता था टिब्बा सुल्तानपुर से आते थे, अब किराया बहुत ज़्यादा हो गया, पेट्रोल मनसूबात की कीमत के मुताबिक। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि स्टूडेंट के लिए रिलीफ रखे या पेट्रोल की मनसूबात कम करे। हुकूमत ये सोचती है कि हमारे दरख्तों के लटके हुए हैं तो पैसे है, हम चला सकते हैं। गरीब बंदे से जा पूछें वो क्या करे बेचारे, एक टाइम का खाना है दूसरे टाइम का खाना नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स और मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। बढ़ती हुई महंगाई ने आम शहरियों के लिए सफर करना भी मुश्किल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए ताकि किराए कम हो सके और सफर आसान हो सके। कैमरामैन आमिर शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत का गुस्सा आवाम पर निकाल दिया। डीजल की कीमत बढ़ने पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। बहावलपुर में ट्रांसपोर्ट के किराए 5% जबकि मियांवाली में 10% बढ़ा दिए गए हैं। मजीद इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा। बहावलपुर के ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 5% इजाफा कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि महंगाई ने कारोबार को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। डीजल की कीमत बढ़ने से अखराजात में इजाफा हो गया है जबकि मुसाफिरों ने कहा कि किरायों में इजाफे से मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। रहीम यार खान के ट्रांसपोर्टर्स ने भी डीजल महंगा होते ही किरायों में इजाफा कर दिया। शहरियों का अपना ये रद्द अमल में कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत का गुस्सा हम पर निकाल दिया है। आम आदमी का अब कमर्शियल गाड़ियों में सफर करना भी मुश्किल हो गया है। हर चीज की कीमत आसमान से बातें कर रही है, हुकूमत महंगाई को फौरी कम करे। मियांवाली के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में 10% इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि डीजल की कीमत बढ़ने पर किराया बढ़ाना मजबूरी है जबकि मुसाफिर कहते हैं कि महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी, अब तो सफर करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करके किराए कम करवाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट जावेद अख्तर मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया है, हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है, जरूरत पड़ने पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा क्योंकि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। बिजली की कीमतों में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके की मुश्किलात में इजाफा। बिजली की कीमत बढ़ते ही हर चीज की कीमत में इजाफा कर दिया गया। दुनियापुर के मजदूर तबके का कहना था कि बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे से जिंदगी अजीरन हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद याकूब ताहिर की इस रिपोर्ट में। बिजली की कीमत में इजाफे से मजदूर और दिहाड़ीदार तबका परेशान। मुश्किलात का शिकार मजदूर कहते हैं कि बिजली की कीमत बढ़ते ही हर चीज की कीमत में खुद ब खुद इजाफा हो गया है। खवातीन का कहना था कि हमारी इतनी आमदन नहीं जितना बिल आ जाता है, बिजली का बिल भरने के बाद बच्चों को क्या खिलाएं? कहाँ से बिल भरे, कहाँ से बच्चों को रोटी खिलाए, घर में कपूरा नहीं और बच्चों को ना गैस आता ना बिजली। बिजली तो बिल्कुल 10-12 हजार, हम कहाँ से बिल भरे? गरीब आदमी, हमारे पास घर में कुछ भी नहीं, जब भी हम इतना बिल भरने लग रहे हैं जा तो हमारे वो बिल पूरा कर जा, बेटे बच्चों की रोटी पूरी करके जा, एक चीज तो हमारे पास होगी, ये चीज तो नहीं जो बार बार हम भाई गैस का बिल भरा कर रोटी बच्चों की पूरी करा। बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज करते मजदूर और दिहाड़ीदार तबका का कहना है कि हमारी एक रोज की दिहाड़ी 500 रुपए है जबकि बिल 14,000 रुपए आ गया। बच्चों को पालें या सिर्फ बिजली के बिल भरें, अगर कभी माली मजबूरी की वजह से मुकर्रा तारीख तक अदायगी ना हो तो मैपको एहलकार फौरी कनेक्शन काटने आ जाते हैं। 100 यूनिट वाला बिल 200 में चला जाता है, 200 वाला 300 में चला जाता है इनके लेट रीडिंग मीटर रीडिंग करने से। लिहाजा हमारा 15-15, 14-14, 18-18 हज़ार पे हमारे बिल आ गए। 15,000 हमारी महीना तनख्वाह है, अब हम बिल भरें या तनख्वाह दें? बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं, बच्चों को खिलाएं या बिल भरें? मेहनत मजदूरी करते हैं, 15,000 रुपया बनता है, 500 रुपया दिहाड़ी है, हमारा 14,000 रुपया बिल आ गया, ये हम बिल अदा करें या अपने बच्चों को पालें, क्या करें हम? बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज करते शहरियों ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि बिजली की कीमतें फौरी कम की जाएं ताकि महंगाई की चक्की में पिसती आवाम को कुछ तो रिलीफ मिले। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही न्यूज, दुनियापुर। मियांवाली में MSDHQ अस्पताल के रवैये के खिलाफ डॉक्टर्स की हड़ताल। डॉक्टर्स ने OPD बंद करके काम छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने मुतालबा किया कि बर्खास्त किए जाने वाले यंग डॉक्टर्स को बहाल और गायनी डॉक्टर्स का तबादला मनसूख किया जाए। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज।
पाली के डीएचके अस्पताल में डॉक्टर्स सरापा एहतजाज, ओपीडी बंद करके काम छोड़ दिया। सदर डॉक्टर्स एक्शन कमेटी डॉक्टर कलीमुल्ला का कहना था कि बिना कसूर दो यंग डॉक्टर्स को बर्खास्त और दो गायनी डॉक्टर्स का तबादला कर दिया गया है। ट्रांसफर पोस्टिंग जॉब का हिस्सा कहकर गुस्सा निकाला जा रहा है। अस्पताल में गाली गलौज का माहौल बन चुका है। ऐसे माहौल में काम करना इंतहाई मुश्किल है। मुतालबा तस्लीम न किए गए तो इमरजेंसी भी बंद कर देंगे। ये जो आज का एक अफसरदा वाकया हुआ हड़ताल का, ये आज हमने हड़ताल स्ट्राइक जो है जिसे हमने कॉल की है, तो ये हमने एक ओपीडी की स्ट्राइक कॉल की हुई है फिलहाल। तो ये हमारे जो है हॉस्पिटल से जो दो लेडी डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया, जब दो लेडी डॉक्टर्स का ट्रांसफर कर दिया गया तो पीछे हमारे पास दो लेडी डॉक्टर्स बचती हैं। अब दो लेडी डॉक्टर्स डीएचके मियांवाली में गायनी डिपार्टमेंट कैसे चला सकती हैं? मेरा इंतजामिया से यही मशवरा है और उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारे मुतालबात सुने जाएँ। जो हमारे डॉक्टर्स ट्रांसफर और टर्मिनेट हुए हैं उनको खुदारा वापस बहाल किया जाए। हमारे मुतालबा यही है कि देखें ना जी, कोई भी इन्वायरमेंट हो, अगर वहाँ पे आपको इज्जत मिलेगी तो हम भी इज्जत देंगे। हम लोग काम कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं, तकरीबन हमें 8 साल हो गए हैं यहाँ पे। पिछले दो ढाई महीनों में ऐसा क्या हो गया है कि हम लोग जनाब बिल्कुल गलत हो गए हैं? हमारी कंसल्टेंट्स ने बात की, गायनाकोलॉजिस्ट ने, तो उनको दो को सरेंडर कर दिया। ये टारगेटिंग इसके खिलाफ है। हम लोग बाकी पेशेंट के हम लोग हक में है, पहले भी हम लोग देख रहे थे, अब भी देखेंगे। दूसरी तरफ एमएस डॉक्टर अमीर अहमद खान कहते हैं कि किसी डॉक्टर को बर्खास्त नहीं किया गया, गायनी डॉक्टर का तबादला सेक्रेटरी हेल्थ ने किया है। पिपला अस्पताल में गायनी डॉक्टर की असामी खाली पड़ी थी, सेक्रेटरी ने लोगों की सहूलियात फराहम करने के लिए तबादला किया। जो मेरे नॉलेज में है कि तहसील पिपला मियांवाली का हिस्सा है, उसमें एक साल से दो गायनेकोलॉजिस्ट की सेंक्शन पोस्ट है जो खाली पड़ी है। गवर्नमेंट सीएम पंजाब सेक्रेटरी पंजाब सेक्रेटरी साहब ने देखा कि उधर ये चीजें बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल तक पहुंच गई हैं, उन्होंने डीएचक्यू से दो हमारी गायनेकोलॉजिस्ट को रिस्पेक्टेड है हमारे लिए उनको शिफ्ट किया ताकि डोर स्टेप पे उधर सहूलत दी जा सके। कोई उनको शोकाज नहीं दिया गया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई टर्मिनेशन नहीं है। डॉक्टर्स ने ऐलान किया कि मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो हड़ताल का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियांवाली। अब कुछ बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के हवाले से। जनूबी पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से बहावल नगर और बहावलपुर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बहावल नगर में 40 से जायद आबादियों का जमीनी राबता कट गया, जिसकी वजह से मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। तफसीलात के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। बहावल नगर में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों से निजामे जिंदगी धरम भरम। दर्जनों हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी दरिया बुढ़, पानी घरों में दाखिल, फसलें भी तबाह हो गईं। 40 से जायद आबादियों का जमीनी राबता कट गया, मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाईओं में मसरूफ है। दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से बहावलपुर के नशेबी इलाकों में भी निजामे जिंदगी मुतासर है। मोजा वेसला के हिफाजती बंद को मजबूत बनाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी है। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 58,634 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। रंगपुर में सैलाब से दर्जनों मोजाजात जेरे आब आ गए, जमीनी रास्ते मुनकता, खुराक की किल्लत, बच्चों की अद्वियात तक नहीं, शहरी मसूर होकर रह गए। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो गईं। सरबाना बस्ती और सरकारी स्कूल्स के इतराफ में पानी ही पानी है। मुतासरीन ने खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हरूनाबाद में सेम नाले बिफरने लगे। 72-4R के करीबी सेम नाले से सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब आ गई, जिस पर काश का सरापा एहतजाज है। हरूनाबाद इंतजामिया ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू नहीं कर सकी। शहरियों ने सेम नाले की फौरी सफाई का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद है, जिसकी वजह से कई मोजाजात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला कौंसिल की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी दरिया बुर्द होने लगी। मोजा रंगपुर, दवाबा, बस्ती रोहिला वाली और सरकी बंद मुतासर हो गया। दरियाए सिंध में तोनसा बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,19,941 और अखराज 3,10,941 क्यूसिक रिकॉर्ड की गयी। महकमा आबपाशी कोटदू के मुताबिक टीपी लिंक केनाल को पानी की फराहमी मुअत्तल है। हेड तोनसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। पाकिस्तान रेलवेज का ट्रेन शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासर। बहावलपुर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों में से बेशतर ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हैं। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ख्वार हो गए हैं। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ट्रेनें ताखीर का शिकार होना मामूल बन गया। बहावलपुर अप एंड डाउन ट्रैक पर चलने वाली 28 ट्रेनों में से 20 ट्रेनों का शेड्यूल मुतासर है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर रुल गए। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेनों के इंतजार में घंटों बैठना पड़ता है। सुबह 8 बजे से इंतजार में बैठे हैं। रेलवे इंतजामिया की नाहली की वजह से खुशी और गमी पर बर वक्त पहुँचना एक ख्वाब बन गया।
कि वेट करना कितना मुश्किल होता है और कई कई घंटे लोग वेट करते हैं, 6-6 घंटे। हम सुबह से बैठे हैं और तकरीबन 8 बजे की ट्रेन अभी तक नहीं आई और कोई पता नहीं कि किस टाइम आएगा। तो ये वो मसले होते हैं कि इसमें लेडीज़, बच्चे और बेशुमार लोग, ज़ईफ़ और काफ़ी वो उम्र वाले लोग या किसी काम के लिए खसूसी दिलचस्पी रखने वाले को लोगों खसूसी दिल प्रॉब्लम होती है। बहावलपुर आने वाली ट्रेनों में पिशावर तक कराची खैबर मेल, रावलपिंडी तक कराची तेजगाम 2 घंटे, कराची तक हवेलियां हजारा एक्सप्रेस 4 घंटे, कराची तक लाहौर कराची एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची तक गुजरात मिलत एक्सप्रेस 7 घंटे, कराची तक मुल्तान बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस, सियालकोट तक कराची अलामा इकबाल एक्सप्रेस, लाहौर तक कराची पाक बिजनेस, कराची तक लाहौर फरीद एक्सप्रेस, कराची तक रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस 3-3 घंटे ताखीर का शिकार है। कोशिश करें कि टाइम पे ट्रेन आनी चाहिए। अभी हम सुबह के 6 बजे के बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है ना। बस टाइम दे रहे हैं कि 9 बजे आ रही है, फिर कह रहे हैं 10 बजे आ रही है, बस टाइम टरका रहे हैं, बाकी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ट्रेनें पर वक्त ना पहुंचने पर मुसाफरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफरों ने रेलवे इंतजामिया से ट्रेन शेड्यूल बर वक्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा मैन अक्रम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, जमात अहल सुन्नत के सूबाई नाज़िम आला अलामा फारूक खान सईदी कहते हैं तहफ्फुज़ नामूस रसालत के कानून में तब्दीली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं, इसमें मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा भी करते हैं। मज़ीद जानिए जुनैद अनवर की रिपोर्ट में। सूबाई नाज़िम आला जमात अहल सुन्नत अलामा फारूक खान सईदी कहते हैं कि IMF के कहने पर 295C के खात्मे की साजिश हुई तो एहतजाज करेंगे। तहफ़ुज़ नामूस रिसालत कानून में कोई तब्दीली काबिल कबूल नहीं। माज़ल्ला, नामूस रिसालत सल्लम के कानून 295C में कोई तरमीम के खौफनाक इरादे हैं। अगर इसमें तरमीम की ज़रा सी भी कोशिश की गई तो फिर आशिकान रसूल पूरे मुल्क में कफन बांध कर निकलेंगे। ये किसी एक मकतब फिक्र का मसला नहीं है। मुल्तान प्रेस क्लब में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए अलामा फारूक खान सईदी का कहना था कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहरमती का वाकया की मजम्मत करते हैं। तमाम इस्लामी ममालिक तौहीन में मुलविस मुल्कों के सफीरों को निकालें। इस्लामी ममालिक इन मुल्कों की मसनूआत का बायकॉट करें। कुरान पाक को शहीद करने की भरपूर मजम्मत और सरबराहान इस्लामिया यानी आलम इस्लाम से मुतालबा करते हैं कि इन ममालिक के सफीरों को पाकिस्तान से निकाला जाए और उनकी तमाम मसनूआत का इस्लामी ममालिक सरकारी सतह पर भी और आवाम भी गैरत दीनी का मुजाहरा करते हुए बाइकाट करें। सूबाई नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत ने कहा कि बहावलपुर यूनिवर्सिटी का मामला बड़ा सानिया है, तालीमी इदारों में जारी इस मकरूह धंधे में मुलविस अफराद का तायुन किया जाए। सेमेस्टर सिस्टम ही तमाम मसाइल की जड़ है, इसे खत्म किया जाए। तमाम अहले सुन्नत व जमात की तंजीमात के अहदेदारान ये मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम तालीमी इदारों में सेमेस्टर सिस्टम ख़त्म किया जाए और मखलूत तालीमी निज़ाम भी ख़त्म किया जाए ताकि इस्लाम की तालीमात के मुताबिक लड़के और लड़कियां तालीम हासिल कर सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर जमीयत उलमाए पाकिस्तान जनूबी पंजाब अयूब मुगल, अशरफ कुरैशी, उस्मान पसरूरी, साबिक जज हाफिज अल्लाह दित्ता काशिफ बोसन, यूनस गाजी समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। कैमरामैन हारून रमजान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। मुल्तान में जश्न आज़ादी को जोश व खरोश के साथ मनाने की तैयारियां जारी। यौम आज़ादी की तैयारियों के लिए बाजारों में रंग बिरंगी झंडियों और आराशी अशिया के स्टॉल सज गए हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए बाजार का रुख करने लगी है। रिपोर्ट करेंगे सुहरा तारिक। यौम आज़ादी को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी कौम पुरजोश, वतन अजीज से मोहब्बत करने वालों का जोश व खरोश भी अरूज पर है। यौम आज़ादी की मुनासबत से बाजारों में झंडियां, बैज, चूड़ियां, कैप और कौमी परचम वाली शर्ट्स दस्तयाब हैं। दुकानदार कहते हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस मरतबा खरीदारों का रश ज्यादा है। नए बैज आए हैं, डिजाइन वाले, और ये भी आए हैं, बहुत अच्छी खासी डीलिंग हो रही है, धूमधाम से बना रहे हैं, सेल भी अच्छी हो रही है। शहरियों का कहना था कि 14 अगस्त के लिए खरीदारी करके घरों को सजा रहे हैं ताकि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा सके। इस वक्त तो बहुत अरूज पे काम है जी, आप देख सकते हैं मार्केट सारी सजी हुई है,
हम बच्चे भी ज़्यादा इस काम में अव्वल होते हैं क्योंकि घर वाले से पैसे लेके यहीं मार्केट्स में आ जाते हैं और 14 अगस्त का सामान वगैरह खरीदना शुरू कर देते हैं। 14 अगस्त करीब आते ही बच्चों का जोशो जज्बा भी दीदनी है। कौमी परचम वाले बैजेस के स्टॉल्स बच्चों की तवज्जो का मरकज हैं। जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाने के लिए मुल्तान के शहरी भरपूर तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान।